दोस्तों आज केकेआर वर्सेस आरसीबी का बेहद ही रोमांचक आईपीएल 2024 मैच खेला गया, जहां आखिरी ओवर में आरसीबी को 21 रन चाहिए थे, जहां स्ट्राइक पर मौजूद थे करण शर्मा और केकेआर के ओर से बॉलिंग करने आए मिचेल स्टार्क। लास्ट ओवर की पहली बॉल पर करण शर्मा ने सिक्स लगा दिया, जहां अब आरसीबी को 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। ओवर की दूसरी बॉल करण शर्मा मिस कर गए, जहां केकेआर ने अपील की पर करण शर्मा नॉट आउट रहे। ओवर की तीसरी बॉल पर करण शर्मा ने कवर्स के ऊपर से सिक्स लगा दिया, जहां अब आरसीबी को 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। ओवर की चौथी बॉल पर करण शर्मा ने एक और सिक्स लगा दिया, जहां अब आरसीबी को 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे और पूरा मैच आरसीबी के पक्ष में था। ओवर की पांचवी बॉल पर मिचेल स्टार्क ने करण शर्मा को आउट कर दिया, अब आरसीबी को 1 बॉल पर 3 रनों की आवश्यकता थी। ओवर की लास्ट बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन ने ऑफसाइड में शॉट खेला, जहां दूसरा रन लेने के चक्कर में लोकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गए, जहां केकेआर ये मैच 1 रन से जीत गई। तो दोस्तों, कौन है आरसीबी की हार का असली जिम्मेदार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।